पुराने समय में भारत की भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी, गुजरात के लोथल पोर्ट से लेकर कोलकाता पोर्ट तक देखें तो भारत की लंबी कोस्टलाइन से पूरी दुनिया में व्यापार कारोबार होता था और सभ्यता संस्कृति का प्रसार भी। साल 2014 के बाद भारत की इस शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए नए सिरे से सोचा गया, नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया गया। साथियों, हमारी सरकार ये मानती है कि भारत के बंदरगाह भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार है और इसलिए सरकार ने कोस्ट पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया। सागरमाला परियोजना के तहत देश में मौजूद पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन और नए पोर्ट के डेवलपमेंट का काम लगातार किया जा रहा है। सड़क, रेलमार्ग, इंटरस्टेट वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ये परियोजना कोस्टल ट्रांसपोर्ट के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत करीब 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 625 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लगभग 125 पूरे भी हो चुके हैं। साथियों, सरकार का प्रयास है कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फ्रेमवर्क आधुनिक और इंटीग्रेटेड हो। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट नीतियों में जो असंतुलन था उसे भी दूर किया जा रहा है। इसमें भी पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला है। बहनों और भाइयों, कोलकाता तो जल से जुड़े विकास के मामले में और भी भाग्यशाली है। कोलकाता पोर्ट देश की समुद्री परिधि में भी है और नदी के नट पर भी स्थित है। इस प्रकार से ये देश के भीतर और देश के बाहर के जलमार्गों की एक प्रकार से संगम स्थली है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि हल्दिया और बनारस के बीच गंगा जी में जहाजों का चलन शुरू हो चुका है। और मैं काशी का एमपी हूं इसलिए स्वाभाविक रूप से अब आपसे सीधा जुड़ चुका हूं। देश के इस पहले आधुनिक इनलैंड वाटरवे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस वर्ष हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक को तैयार करने का प्रयास है। साल 2021 तक
गंगा में बड़े जहाज भी चल सकें इसके लिए भी जरूरी गहराई बनाने का काम प्रगति पर है। इसके साथ साथ गंगा जी को असम के पांडु और ब्रह्मपुत्रा से जोड़ने वाले इनलैंड वाटरवे 2 पर भी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है। नदी जलमार्ग की सुविधाओं के बनने से कोलकाता पोर्ट पूर्वी भारत के औद्योगिक सेंटर से तो जुड़ा ही है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के लिए व्यापार और आसान हुआ है।